सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री सुडाणी धाम की जय। श्री क्रोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो अभी तक छुपा के रखा है। वो खजाना आपको प्राप्त हो गया। अब लूट लो इस लूट को। अपनी किस्मत पे विचार किया करो। सारा संसार क्या कर रहा है और आप पे क्या रगा होगी। इससे पहले जो भी कर्म हम करते थे, एक अन्य का नहीं था, रोजी रोटी के लिए थे। पशु पक्षी भी सारा दिन धक्के खावा भटके, किसी ने टूक मिले ना मिले। इसी प्रकार रोजगार के लिए हम सारे भटकिया करते थे। केवल निर्वाह, नथिंग एल्स। और अपने स्वार्थवश आंख मीच का पाप करा करते, कोई आगा पीछा नहीं था। दाव लग्या कति नहीं छोड़ा, जो भी मिल गया हुए। ठीक है, कुछ एक इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन कई मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं, वो ना चाहते भी पाप में दस जाता। जैसे युधिष्ठिर जी के ऐसी परिस्थिति आ गई, उसने झूठ बोलनी पड़ गई। और लिखा था ना बोली तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। तो बच्चों, समर्थ की शरण माने के बाद फिर इस तरह की परिस्थितियां भी टल जाती हैं। और भगवान हमारे धर्म कर्म भक्ति की रक्षा करता है, तभी हमें सफलता मिलती है। उसके लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सतगुरु का अर्थ क्या होता है? सत्य गुरु, सच्चा गुरु, जिसको सत्य अध्यात्म ज्ञान हो और पूरा अध्यात्म ज्ञान हो, सभी शास्त्रों का उसको ज्ञान हो। वो संत है, वही सतगुरु है और वही भगत का भगवान है। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे संत मिले जिन सारे सब को। पूर बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लागरे, के सोवे गफल तुम बंदे, जाग जाग नर जागरे, जाग जाग नर जागरे। इस भक्ति के अतिरिक्त, सुमन सेवा दान के अतिरिक्त जो भी हम बातें करते हैं, वो करनी जरूर पड़ती है, पड़ती रहेंगी। उनका सच्चे दरबार में कोई अकाउंट नहीं, यानी हमारे प्लस में माइनस में तो है। इसलिए पर्वत पर्वत में फिरा भगवान के लिए, और राम जैसे भगवान जैसे संत मिल गए, उन्होंने करे सारे काम, पूरा आत्म ज्ञान दे दिया, सारे दुख दूर होने लग गए, बरकत होगी घर में, व्यवसाय ठीक चलने लग गया। जागना क्या है, सोना क्या है? हम अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े थे, वो ममता की नींद गहरी थी। अब परमात्मा ने अलख जगाया, आवाज लगाई गली गली में, जाके हम जागे। अब जाग गए, भक्ति में लग गए, भक्ति में लग गए तो कल्याण निश्चित है। भक्ति सत्य हो, पूरा सतगुरु हो, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो, मोक्ष में कोई शंका नहीं।
और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। संत गाते नहीं, रोते हैं विलाप करते हैं कि भक्ति कर लो, मालिक के चरणों में आ जाओ, पूर्ण संत की खोज कर लो। इस देही को देवालो चाहे तो नर क्यों कलाता, देवता वितर पर ही हम उस जीवन मिले। सच्चा सतगुरु खोज कर सच्ची भक्ति करो, और जन्म मन से पीछा छूटा तो गलत भक्ति करके स्वर्ग में आगे। तो इस प्रकार जागृति आती है पूर्ण संत से। गीता भी कहती है कि तत्वदर्शी संतों के पास जाके तत्व ज्ञान प्राप्त कर, और गीता भी कहती है चौथे अध्याय का 34वां श्लोक कि उस संपूर्ण दत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो किसी संत से जाके जानकारी प्राप्त कर, उसको दंडोत प्रणाम कर, नम्रता पूर्वक कपट छोड़कर सच्चे दृढ़ विनय कर, वो तुझे सच्चा मार्ग बताएंगे। ये जो शब्द आपको उदास मानने जा रहे हैं कबीर साहब का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने अपना नाम लिख लिया, कोई बात नहीं बालक से, हमने तो ज्ञान देखना है, इन बातों में उड़ देना। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, उनके सोव गफलत में बंदे, जागे जागे नर जाग रे, जागे जागे नर जाग रे। जाग भी गया, उठते हुक्का भर लिया, धूमर पान सिगरेट लाली बीड़ी लाली, ना कोई राम राम, ना कोई बंगला चढ़, ना कोई मंत्र, ना कोई शुभ कर्म। उठे सुबेर उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, शुक्रम किया नरे करी बंदगी, फूटे तेरे भाग रे, फूटे तेरे भाग रे। किस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, कर चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। अपने हिसाब से अपनी बुद्धि अनुसार सभी कोई न कोई अपने हिसाब से सही ठीक ठाक काम कर रहा होता है। कसाई भी अपने काम ना अच्छा मानता क्यों और कर रहे हैं, इसलिए शराबी भी अपने काम ने बुरा सा नहीं मानता, क्या हो गया दो गुट्टी ला लो कभी कभी, और चोरी करनी है बकवाद करनी है, बस ऐसे ही अपने हिसाब से सेट हो रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, एक मर्यादित होना पड़ेगा। यह शरीर एक धर्मशाला है, सराय है, जिसको किराए पर ले रखा है कुछ समय के लिए, और जिस दिन वो किराए का समय पूरा हो जाएगा उसी दिन ये खाली करा ली जाएगी। जिस उद्देश्य के लिए सराय में रह रहे हो, धर्मशाला में रह रहे हो, या होटल बुक करा रखा है, उस काम में सफलता प्राप्त कर ली तो लाभ है, नहीं तो व्रत का पैसा गया। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरे त्याग रे, चले सवेरे त्याग रे। रात बसेरा, ये जीवन एक तेरा रात्रि समझ ले, और जब ये नींद टूटेगी, ये सपना टूटेगा, हाथ पल्ला कुछ नहीं होगा। जैसे सपने में एक बता रहा था कि मैं रिक्शा चला करता, और इच्छा तो थी भाई
ऑटो गाड़ी हो, बड़े ख्वाब लेता था, सपना आ गया एक दिन कार दे रखी और किराए पर चल रहा हूं, पूरी स्पीड पर खींच रखी, एकदम ब्रेक मारने पड़ गए, महाराज और तो ब्रेक और फटी पुरानी गुदड़ी थी रजाई, उसमें कार पर पैर निकल गया, एकदम आंख खुल गई, ना कार थी ना स्पीड और सड़क थी, वह गुदड़ी और पाट गई। तो ये स्वप्न है, ये एक रात है, इस रात में जगाना है दशंत कि ईव आंख खोल लो, रिव्यू कर लो काम, तुमने यह कार भी मिल जाएगी और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। रात में शेरा कर ले ले रहा, चले सवेरा त्याग रे, ये शरीर तो रह को नहीं, गारंटीड बात है, बस न्यू है क्या, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, सारे ये सोच रहे अभी नहीं, पर एक सेकंड में भरोसा किसी का नहीं। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं तुम वहां चलो जहां कभी नहीं, अध्यात्म ज्ञान से आपको ये जीवन ऐसा हो जाएगा। कहते हैं जैसे पक्षी बन रम्या संझा ले विश्राम, प्रात समय उड़ जाता है सो के ये नहीं काम। जैसे पक्षी सारा दिन अपने खाने के लिए घूमता फिरता है, खूब मस्ती करता है, रात होगी उसे किसी वृक्ष के ऊपर चुपके से बैठ गया और सुबह होते उसे उड़कर प्रण दे गया, उस वृक्ष से कोई लेन देन नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं। तो ऐसे ही गरीब दास जिसमें जाते हैं, गरीब देह पड़ी तो क्या हुआ, जूठी सब पटीट, पक्षी उड़ आकाश को चलते कर गया बीट। हमारे जो शरीर है, जीव है, सूक्ष्म शरीर है, वो एक समझो पक्षी है, और ये शरीर ऐसा है जैसे पक्षी बीट करके उड़ जा, बीट ते किसी पक्षी का लगाव नहीं होता, उसको ज्ञान होता, हमें ज्ञान नहीं कि ये अड़ंगा है, इसमें चौपड़ चापड़ रखा सारे दिन, इसको पर पाउडर पाउडर छड़क और ला कर क्रीम क्रीम करें, के बने फिरें, जो काम करने का वो ना करते, या तो बीट है अड़ंगा है, इसमें सारा थूक पलगम आड मास देखे भी ना जा, कोई पशु फटा पड़ा उस सड़क पे, वो है जिसमें तुम लपटे फिरो। इसके अंदर जो जीव है और जो भक्ति आप कर रहे हो वो संग्रहित उस सूक्ष्म शरीर में होती है और उसी के साथ जीव ऊपर जाता है। लेकिन ये मिट्टी बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है, इस मिट्टी से सत भक्ति करके ये मोक्ष रूपी सर्वण तैयार किया जा सकता है, गोल्ड तैयार कर सकता है, इसे सोना उपजाया जा सकता है, ये इतनी कीमती भी है। तन सराय जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा चल सुवेरा त्याग रे, चल सुवेरा त्याग रे, उमदा चोला बना अनमोला। ये बहुत कीमती भी है, और गलत विचार गलत कर्म करके इस पे दाग लगा रहे हैं, इसको कलंकित कर रहे हैं, पाप इकट्ठे कर रहे हैं। उमदा चोला बना अनमोला लगे दाग पे दाग रे, दो दिन की गुजरान जग तुए क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। भक्ति ना करके इंसान अपने बच्चों को सुखी करने के लिए कोई आगा पीछा नहीं देखता, कोई व्यवसाय करता है छक्के दो नंबर हेरा फेरी कितनी कर ले वाई थोड़ी मानता है, तो बच्चों को वही मिलना जो उनकी किस्मत में है। एक व्यक्ति मत रोवा था, कई साल की बात हो रही, शुरुआत थी हमारी, उसने सत्संग सुनी, कैसेट थी एक, वो कैसेट सुनकर आया, फिर उसने अपना दुखदार होया कि मैं बहुत निकम्मा इंसान था, पहले एक कैसेट चाली थी सोने की एक नंबर की, बहुत क्या करती टेप रिकॉर्डर होते थे और इस बड़ी बड़ी
कैसेट चला करते थे। मेरी सोनी की दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कैसेट टेप रिकॉर्डर रेडियो आदि बेचा करता। मैं डुप्लीकेट सोनी की वो बना करता रील, जो मुझे 2 रुपए में पड़ती थी और सोनी का ओरिजिनल रेट 35 रुपए था, 35 में बेचा करता। मैं मालूम गया इकलौते पुत्र को सुखी करने के लिए। इकलौता पुत्र जब 21 साल का होगा, शादी निकट थी, उसके दोनों किडनी फेल हो गए, 3.5 लाख रुपये लगे उस समय, आज तो 35 लाख है, 40 लाख। ठीक हो गया, चलो गुर्दा बदलवाया, किसी ते ले दे गए। उसके बाद एक्सीडेंट में मारा गया उस लड़का, रो है फूट फूट, या थी बिरानी आग में जल गया। बच्चों मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समाओगा, आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु वेद आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। तो सत्संग के बिना और संत पूरे संत सतगुरु के बिना ये बातें कौन बतावे, कौन छुटावे से पाप कर्म पे। आप क्या बताते हैं, उमदा चोला बिना न मोला, लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिराणी आग रे, क्यों जड़े बिराणी आग रे। बच्चों उदाहरण सामान्य नहीं है, कलेजा फट जा आदमी का, जब थोड़ी सी बकल रखता हो तुरंत बुराई छोड़ गया, मान लिख के चल समर्पित हो जा, और फिर 2 रोटी और तो अच्छी ना देते फिर भगवान की सा। कुंभ कांचड़ी चढ़री चित पे, या कुंभ कांचड़ी थी तो उसका नाश कर भी, कुंभ कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नागरे, सूझ नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे, बिना प्रेम बैरागरी, अर्षुमर सो हंस कहावे, कामी करो दी कागरे, बौरा न भर में इस विष के गुण में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। ये 21 ब्रह्मांड ये विषय विकारों का वन है, जंगल है, फॉरेस्ट है, ये दुखों का भरा पड़ा है, ये यहाँ का सिस्टम। और सतलोक बेगमपुर, बेगम गम माने दुख, वो दुख रहित सुख का सागर। अर सुमर सो हंस कहावे, कर्मी करो दी कागरे, मौरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बागरे, चल बेगमपुर बागरे। शब्द सहन सतगुरु की पिछाई, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बागरे, परगटे पूर्ण बागरे। शब्द सहन सतगुरु की पहचान, गुरु जी का संकेत समझाई, कैसे नरक में कब तक रहोगे, ना यार रह सकते, कर्म फोड़ के जाओगे जब सच्ची भक्ति नहीं करी।
संकेत, सैन संकेत इशारा, सबद सैन सतगुरु की पिछानी, पाया अटल सुहागरे, नितानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण बागरे, परगट पूर्ण बागरे। देखो अपने गुरु के प्रति कितना लगाव दिखाया है। नितानंद के गुरु जी थे गुमानी दास वैष्णव। देखो बच्चों, खेल चाहे डिस्ट्रिक्ट स्तर का लेवल का है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर का, उनके नियम एक जैसे होते, लेकिन लाभ न्यारा न्यारा। इसी प्रकार ये वैष्णव साधु थे, गुमानी दास थे, और ये गुरु पद पर, सही गुरु पद पर थे विष्णु जी के, क्योंकि सुखदेव ऋषि स्वर्ग से आकर इनको मिला था, इनको विष्णु जी का पाठ पढ़ाया, और हमारे को सतलोक से स्वयं परमात्मा हमारे गुरुदेव गरीबदास जी को मिले, उनको सतलोक का पाठ पढ़ाया, और वो परंपरा हमारे पास है, विष्णु वाली परंपरा नितानंद जी के पास थी। अब उसको इतना ही ज्ञान था, उसके ऊपर कुर्बान हो गया, उस सत्र का लाभ उसने जरूर मिला होगा। तो अब हमारी यहां खुल गई कि इतना कुछ किया उस महापुरुष ने, पर बात वही की वही रहेगी, अपनी किस्मत सराहो ही बात। गरीब सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट, जो ऐसे सतगुरु की निंदा करे, यम तोड़ेंगे होठ। तो बच्चों क्या कहता है नितानंद जी, नितानंद महबूब गुमानी, महबूब सबसे प्रियतम, सबसे प्रिय आइटम मेरे गुरुदेव महबूब मुझे मिले, कोई पूर्ण भाग पिछले संस्कार उदय हुआ मेरा, तब ये सतगुरु संत मिले। बच्चों ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है दत्त मार्ग का, कि सतगुरु के सिजदा करो, कर्म छुटाए कोटी, जो सतगुरु की निंदा करे, जम तोड़ेंगे कोट। आपको वो मार्ग मिल गया जो आज तक इस कलयुग में किसी को प्राप्त नहीं हुआ, केवल मेरे गुरुदेव को छोड़कर, संत गरीबदास जी को छोड़कर, या कभी साहब विषम में जो संत आए, बाबा नानक जी, गीसा दास जी, दादू साहब, लेकिन उनको ये मूल ज्ञान बताने का अधिकार नहीं था, और ये सारे नाम देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय नहीं था। ऐसा नहीं कि वो नाम देने के योग्य नहीं थे, वो तो महापुरुष थे, मतलब धूल हो उनकी चरणों की, लेकिन वो समय नहीं था। आज देना था, आज ही आपके भाग लगने थे, आप आज के नहीं हो। पहले ऐसी साधना नितानंद जैसी आपने भी की है, हमने भी की। अब नितानंद जी स्वर्ग में है, वहां से कदे पीछा छुट्टेगा जब धरती पाओगा, फिर राह मिल गया तो मिल गया, ना फिर नहीं धक्के पाओगा। तो किस्मत सरा हुआ अपनी, ओए होए। तो इसके पीछे बच्चों ये नकली संत अगड़ रहे हैं, इन्होंने कति भट्ठा बैठा दिया, अपना नाश कर लिया और मारा कर दिया। गुरुआं गान बिगाड़े संतो, गुरुआं गान बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए दौर दड़े नहीं जाड़े। नर सुन रे मूड गवारा, भाई राम भजन तत्सारा, नर सुन रे मूड गवारा, राम भजन तत्सारा, राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर श्वान शरीर नु कौआ खरकी देह धरेगा, मिटे न ये तकसीर। ये गाने की नहीं, ये छाती फूकण के शब्द है, आत्मा के जो अकल हो थोड़ी सी।
राम भजन बिन बैल बनेगा। बैल के जीवन पर देखो, हमने देखा कि किसान के गर्दनों पर दास का सारा दिन नाख डाली होती है, रस्सा बांध दिया जाता है, सुबह जोड़ दिया जाता है खेत में, फल में दिन में 2-3 बार पानी पिलाकर, थोड़ी देर चारा खिलाकर, फिर सारे दिन खेचा खेत चाल के अंदर चलता है कि दर्द हो, पेट में हो, पैर में हो, कोई कष्ट हो बोल नहीं सकता, जो मिल जाए वो खा रहा है। जब सुने मिला पानी पिला दिया, ना मरो पैसा, पर अब जब चाहे चाहे पानी पी लें, इच्छा हो दुख दर्द हो इलाज करा लें, बढ़िया भोजन समय पर खा लें, हलवा खीर बना के खा लें, या भक्ति ना करी और भक्ति भी सही ना करी, बात तो यह बिगड़ रही है, गलत और ठीक भी आगे बढ़ रहा है। वो राम कौन, राम का नहीं फैसला हो रहा था अभी तक, बताओ ये भक्ति खा करी कहाँ गए होंगे जी, आज तक नहीं पता कि परमात्मा है कौन जो दुख दूर करे, जो मोक्ष दे, जिसकी आड़ में हम जाकर सदा सुखी रहे, फिर दोबारा ना आवा लौट कर। हम गीता पढ़ा करते हैं और तुम भी पढ़ते होगे जो हिंदू है, उसमें सपस लिख रखा था, कति समझ में नहीं आई, काल ने बुद्धि पत्थर डाल रखे हैं, ये तो दाता आए या करें लाए तत्व वगैरह नाली, जब ये पत्थर ठाटा दूर फेंके आत्मा निर्मल होगी। तो हमने आज तक मैं नहीं पता था भगवान है कौन। गीता अध्याय 7:19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर पते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में, पहले तो नए जुड़े डोते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई ज्ञानी आत्मा किसी लास्ट के शरीर में अंत में ब्रह्म साधना करता है, और वो ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोग जाता है, वो भी वापस आता है, इसलिए अनुत्तम गति का 7:18 श्लोक अपनी साधना को। फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव का अर्थ है जिसका सारे असंग ब्रह्मंडों पर शासन हो, सब उसका निवास हो, सब जगह उसकी सत्ता हो, सबका मालिक कुल का धनी, वो ही सब कुछ है, वही पूजा की योग्य है, वही ईष्ट रूप में पूज्य है, वही दुख दूर करता है, पाप नाशक है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, उसी की भक्ति करो, ये बताने वाला संत सो दुर्लभ, बड़ा कठिन सास मिलेगा। तो बच्चों, आप पहले और हम भी ऐसे बहुत कुर्बान हुए, राह ठीक नहीं मिला, लेकिन मिले भी उन्हीं को गा तो कुछ कर रहे हैं, किसी ना किसी जन्म उनका तरफ फिर भक्ति की रहेगी, फिर मालिक मिलेंगे। और इन संतों का जो पहले अपने हिसाब से साधना करके चले गए, हो सकता है जन्म हो जा तो ये फिर उनको राह जरूर देगा जाता, क्योंकि बच्चे तो सीखे हैं, भ्रमित हो गए कभी इस परमात्मा की रेंज में आ गए, यो पकड़ लेगा, अपने बच्चे ने कौन छोड़ देगा पता, रेंज में ना आते हम जल्दी से, आप इसकी रेंज में आ गए, आपने जल्दी से तो छोड़ देगा नहीं, वो आपते कर्म फोड़ लोगे तो वो बात अलग है, ज्ञान में कसर नहीं, भगवान में कमी नहीं, समाधान प्रमाणित सारे शास्त्र विधि बता दिया, अब भी ना समझोगे तो बताओ फिर कौन सा तरीका अपनाएंगे भगवान आपको इस काल के गंदे लोग से छुड़वाने का। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा। राम भजन कौन, राम कबीर का नाम जप भाई, जय तेरा पार चलने को दिल है थी, राम कबीर, तो हमारा राम कबीर है या उसी राम की भजन की ओर संकेत है। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र श्वान शरीर, कौआ खरकी दे घर गा, मिट नैया तक सीर। बैल शुक्र सुअर, सुअर क्या खाता आपको, वेल नोन है, ये हम भी बहुत बार बन चुके हैं, कदे आज अपला तुम पाक रहे हो, आँख खोल लो, सांस छुट्टा और यू तुम छुट्टा, यू पिंडा फूटे और फिर वहीं खड़े पावांगे। कौआ खरगदा
ये दे दरोगे, ये जीवन पाओगे। मिटन या तकसीरम कीट पतंग भवंग होते हैं, गिदड़ जंबक जूनी, बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए पद बिन काया सोनी। पद सच्ची पद्धति भक्ति करोगे, सच्ची पद्धति ना मिलनी तो भी कोई फायदा नहीं। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। पाषाण मन पत्थर पूज के मर गए, जिन हरि पद नहीं जाना। आए है ये सूक्ष्म वेद, सब वेदों का वेद, सबका सार है ये। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में जो कहा है ना कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसकी भक्ति करो। ये सूक्ष्म वेद है बच्चों, इसमें तो खजाना बरकत रखा, कभी गर्क रखा, सैचुरेट कर रखा। कहते भक्ति बिना नरखर एक, और यहां आगे लिखा जिन हरिपद नहीं जाने, भक्ति ना करता। आदमी में, मनुष्य में और गधे में के अंतर है, सारे दिन काम से लगता रहे है, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। दिन में काम से फुर्सत नहीं, रात में सपने में वही दिख। कहते भक्ति बिना नरखर एक है, सर्गदा जिन हरि पद नहीं जाना। देख इसका गहरा अर्थ ये बनता है कि भक्ति नहीं करते वो गधे के समान, और जो भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे वो गधे के समान। वो संसारी लोड बिठा रहे और साथ में भक्ति वाला भी ठाए पर है, वो डबल गधे, कुछ भी पल्ला को नहीं। तो क्या कहा है, जिन हरि पद नहीं जाना, जिन्होंने वो परमेश्वर का वो परम पद नहीं पता लगा, नहीं समझा किसी संत से, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। उनको पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं। अब क्या बताते हैं, जैसे वह देखेंगे मैं सन्यासी दस नाम कहा है, शिव शिव करे ना सन से जावे। और क्या कहते हैं, पार ब्रह्म की परख नहीं, शिव करता ठहरावे हैं। क्यों, पार ब्रह्म को पता नहीं, शिव जी को करता बताते, भगवान बताओ। तो यह कहते पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज बोये पास आना, सथावर जंगम मैं जगदीश। अब देखो बच्चों, काम करने को मना नहीं किया कि अभी काम क्यों कर, काम तो करना पड़ेगा, वो गधे दबण करना पड़ेगा अपने को। लेकिन इस राम नाम वाले ने भी थोड़ा सा दखला सिर पर यो बोझ बिठा लिया तो अच्छा, पर सच्चे ढंग से सच्ची भक्ति सच्चा सतगुरु हो तो इस लोड का जो फायदा है कि वह देखे। मैं यही तो बताया था कि कोई भी तक कोई ना ढंग की भक्ति करता है, तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी, कोई नहीं सत्संगी। अरे भगवान, मैं देखे उनको इसलिए बार बार सुना जाता, आपकी आंख खुल जाएंगी, आपको कितनी रोशनी हो जाएगी, सचमुच कोई भी तो सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है भक्ति के। सथावर जंगम मैं जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब नारायण इंद्र सय भुगते चारो खानी। सथावर जंगम मैं जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब नारायण इंद्र सय भुगते चारो खानी। तोल न मोल वजन नहीं आवे, सथिर आनंद रूपम, घटमट में तत से ती नारा, सोहम सत स्वरूपम।
बादल छा ओस का पानी तेरा यो अनुमाना आट पटन कृत्रिम सब झूठा ये रिंचक सुख लपटाना। हाय हाय, कहते हैं बादल की छा जैसे अस्थाई होती है, हवा चली साफ ओस का पानी सुबह सुबह चमका सुंदर लगे, दो घंटे के बाद निशान नहीं पावे। कहते तेरी ये औकात है, मानो आंख खोल ले और ये संसार सब तरह छूट जाएगा एक दिन। ये थोड़ा सा सुख ऊपर लपेट गए, अंदर अड़ंगा पर रखा इसमें। नराकार निर्वय निर्वयनी सुरती नृति निरतावे आत्म राम अतीत पुरुष को गरीब दासियों पावे। अब कौन से राम का भजन करे? भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, बिना भजन भय मिटे नियम का, समझ बूझ रे भाई सतगुरु नाम दान जिन दीन्या उन संतों को मुक्ति पाई। कति क्लियर कर दिया कि सतगुरु मिले और सही नाम जिसको मिलेगा वो भगत, वो बच्चे, वो बेटा बेटी, उनको मुक्ति मिलेगी। बिना भजन भय मिटे नहीं यम का, होय होय समझ बूझ रे भाई सतगुरु नाम दान जिन दीन्या उन भगतों को मुक्ति पाई। क्या बताते हैं? बिना भजन यम के दूत और यम का भय नहीं मिटेगा। कहते चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इनसे यम किन करना डरता। ऊपर का दिखावा संत बने फिरो, अंदर भक्ति की कमाई नहीं है, सच्चा नाम नहीं है, इन बातों से कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या बताते हैं? किसका भजन करे? सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुवर्ण करे सुरत से लापे, पावे हरि पद वेवा। तो कितनी गजब की बातें गरीबदास जी के, एक एक अक्षर अक्षर में और मात्रा में भी ज्ञान का जो भरा पड़े। सत कबीर नाम करता का, संत गरीबदास जी ने आंखों देखा उस मालिक को बता दिया, और सुमरण करे सुरती से लाप है। लाप है एक तो जाप, एक लाप, लाप बन विलाप, जैसे कोई मर जा किसी का कति निकटतम, और कैसे रोया करे वो बहन भाई व्यक्ति माँ बाप या माँ बाप पर जब बालक रोया करे, वो विलाप करते विलाप हाय हाय। तो कहते हैं इस कष्ट से निकलने के लिए, इस गंदे लोक के दुख को इतना याद रखो और परमात्मा की भक्ति करो कि परमात्मा कद छूटेगा पीछा, कद आओगे कद लोगे अपने शरण पकाओ, कब लोगे अपने पास। सुवर्ण के समय ये विलाप करो, ये लाप करो, ये जाप है। देख कितना गजब की बात है ये। अब बच्चों क्या बताया है कि ऐसे विलाप करो उस मालिक को पाने के लिए, उस परमात्मा की ऐसी कसक बना के जब जाप करोगे ऐसा तड़पोगे। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरती से लप, पावे हर बदिवेवा। ऐसे सुमरण करे, सुमरण करे हर विलाप रो के, मतलब बोल कर रो नहीं आत्मा रो है सुरती से। एक कद कई बार बोला नहीं जाता, ऋषि दुख अंदर अंदर गजब याद रहता है और सुख भी ऐसे एहसास होता है कई बार। तो पावे हर पद वे हरि पद,
तो उस परमात्मा के उस पद को प्राप्त करेगा। ऐसे भक्ति करो। आसन बंद पवन पद पर चैना भी नाम जगावे, त्रिकुटी कमल में पद्म झलक जासे ध्यान लगावे। ध्यान समाधि से तो के नहीं, खुली आख्या लगता है। गरीबदास जी की वाणी है, उसमें कहा है कि मैं बोल रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि ये बातें यहाँ की नहीं है। 80 अरब कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर का, 80 अरब कोस से समाधि से बातें कह रहा हूं। समाधि से आंखें खोल रहे हैं, बोल रहे हैं, सूरती समाधि वहां जा रही है, वहां से देख देख कर बोल रहा हूं। देखती कहते हैं, अनदेखी को होने। अब क्या बताते हैं कि त्रिकुटी कमर में पद्म झलक जा से ध्यान लगाओ। ध्यान मतलब त्रिकुटी कमर में परम अनुपूर्ण सतगुरु समर्थ आप है, ये वही है मन पवना समसंद मिलो सुरत निरत का जाप है। सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, दुख दल दर दूरी, ज्ञान दान गलतान हरि पद जो को रंग कस्तूरी। ये सब सुख भुगता जीवित मुक्ता, जीवित मुक्त हो जाओ परमात्मा की कृपा से आपको सर्व सुख मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और दुख और दारिद्र यानी टोटा आपका दूर हो जाएगा, निर्धनता। ज्ञान धान गलतान हरिपद जो पूरंग कस्तूरी, पूरंग माने मृग, कस्तूरी नाभि में सुगंधित वस्तु बन जाती है ना कस्तूरी, उसकी समैल उसको आती है, कुर्बान रहता उसके ऊपर। गजमोती अस्ति के मस्तिक उन्मन रहे दीवाना, खाए न पी वे मंगल घूमे आठ बखत गलतान। जैसे हाथी के कुछ ऐसे प्रकार हैं जिनके मस्तक में जगह होती है, उसमें एक चिड़िया बूंद घेर देती है पानी की और उसमें मोती बनना शुरू हो जाते हैं। जिसके मोती बन जाते हैं उसको इतना आनंद आता है, वो धनी समझता अपने आप को, तो खूब ऐसे मस्त रहता है। तो ऐसे ही जब हमारे सत भक्ति रूपी मोती बन जाएंगे, हमारी दशा भी यही हो जाएगी, हम धनी हो जाएंगे। फिर ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े, ऐसे जो हो जाएंगे वो तत्पद उस विशेष पद के, उस पद के जहां जाकर वापस नहीं आते उसके अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे तत्पद के अधिकारी पलक अलग से जोड़े, तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक नवा था मोह। कहते उनको तन मन धन समर्पित रहते हैं तो उनकी ये दशा हो जाती है। गरीब महिमा की जस संत की तन मन धन सब दे, शर्मांग टाला नहीं मोर दोज लख ले। तो क्या बताते हैं, जैसे से उस मन ने कुर्बानी दी, उसी का प्रमाण दिया है कि ऐसे तत्पद के अधिकारी, वो उस परम पद के अधिकारी हैं, वो पलक अलग से जुड़े परमात्मा के साथ हमेशा संबंधित रहते हैं, उसी के ध्यान में रहते हैं। तन मन धन सब अर्पण कर ही नेक नमा था मोड़े, यानी बैक नहीं हो सकते। बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा, गरीब दास बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। गजब कर दिया। आज अब भगवान की भक्ति करते हैं, उस परम पिता से जिसका कति प्रेम लग गया है, सच्ची लगन है, वो छानी नहीं रहती, छुपाए से नहीं छुप सकती। जैसे बोडल इस पन्नी पॉलिथीन की आड़ में दीपक जल रहा, पहले दीपक होते थे यानी लाइट भी जग रही हो, बल्ब जग रहा और पर्दा ला रखा बोडल का पॉलिथीन का, कहते हो छुपता नहीं उससे प्रकाश है,
न्यारा चमका है कि वहां कोई गजब की चीज चमक रही है, प्रकाशी वस्तु है। इसी प्रकार बिन ही रसना नाम चलत है, जिसका निर्वाणी से नेहा, ग्रीव दास बोडल में दीपक नौछानी नहीं सनेहा। उनके परमात्मा का प्रति जो लगन है, जो प्यार है, वो छानी नहीं, छुपा नहीं होता। बच्चों, इस गंदे लोक से निकलो। कति धोखे में देख रखा, इतना जबरदस्त धोखा देखा नहीं। जितनी भी जागृति आती जागी, आपने साफ दिखाई देगा, पल पल में देख लेना कैसे दशा रखियो, कति जकड़ रखियो बेड़ियों से। ये तो कबीर भगवान ही काटेगा इस बीमारी ने, और यह कट्टे नहीं होगी। थोड़ा सा टाइम दिया करो मालिक के लिए, ऐसे बात नहीं बना करती। 24 घंटे एक दिन में, अब कम से कम 5-6 घंटे तुमने मालिक की तरफ लगाने चाहिए। 18 घंटे है, तुम कुछ कर लो, सो भी लो। अब जैसे काम करते हो उसमें मालिक याद रखो, वो भी अपने इसी खाते में होंगे। गरीबदास जी कहते हैं के दृष्टि पड़े सो पना है, धर अंबर कैलाश, या कृत्रिम बाजी झूठ है, तुम सुरत सो सुहास। दृष्टि पड़े सो धोखारे, खंड पिंड बरबंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारी, फिर नहीं रहसी लोकारी। बच्चो, अखबार मारी थी उत्तराखंड में, भगत जा रहे थे गोरी कुंड में स्नान कर, एक दुकान पर बैठे थे, बादल फट गया, इतना जबरदस्त पानी आया, 10-12 थे, सारे के सारे बह गए, सेकंड में लगे मर गए सारे। अरे के बताओ बताओ, रोज रो में भगवान, अरे तुम कित लाग रहे हो, किस आस पर बैठे हो यहां पर, भक्ति कर लो, इन आपदाओं से भी ये समर्थ बता सकता। दृष्टि पड़े सो धोखारी, खंड पिंड बरमंड चलेंगे, फिर नहीं रहसी लोकारे, फिर नहीं रहसी लोकारे। गरीबदास जी वाणी लिखवाया करते थे, आंखों में आंसू टपका करते थे, वो ऐसे भाव से बोल रहे थे जैसे लाखों बच्चे भगवान की मेरी बात सुन रहे हैं। उनको पता था एक दिन ऐसा भी आएगा। दृष्टि पड़े सो धोखारे, ये खंड पिंड यो शरीर यो ब्रह्मांड नाश होंगे, फिर सथाई 21 ब्रह्मांड का लोक भी नहीं रहेगा। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहावे रे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावे रे। बच्चो, बड़ी दया करी दाता ने युरा दिखा दिया, देख कैसा जुलम हो जाता, असंग जन्म खो दिए थे, यो भी जाता। अरे जीवन नष्ट करने के साधन बहुत सुथरे दे दिए काल, रात दिन किम में बकवास देखो, मोबाइल साथ में, और मालिक ने काल का हथियार काल पेट पा दिया, उस पर ठोक दिया। रज गुण ब्रह्मा, तम गुण शंकर, सतगुण विष्णु कहवेरे, चौथे पद का भेद नियारा, कोई बिरला साधु पावेरे। देखो, सबसे पहले आपको पुराणों से सिद्ध किया कि रजगुण कहो चाहे ब्रह्मा कहो, सतगुण कहो चाहे विष्णु कहो, तमगुण कहो या शंकर कहो, यही तीन देवता है, यही तीन गुण है। शास्त्रों में कोड वर्णों में ज्ञान होता बहुत सारा, गीता अध्याय 7:12 में कहा है, तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। तीन गुण यहां पर रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे जो उत्पत्ति सती थी और सहारो रहा, ये मेरे कारण हो रहा, कारण बोलता है।
और ये सुख संवेद में जिसको अनपढ़ कहा करते गरीबदास जी को, कि अनपढ़ जाट है वो अवाई बक रखी है। अब देखो ये सब ज्ञानों का ज्ञान ये है सुख संवेद, चौथे पद का भेद नहीं आ रहा, चौथा पद इनका पाप है जो तेरे दर का। कबीर साहब कहते हैं इस चौथे ने भी छोड़ा है, पांचवे को जावे कह कबीर सो हम पर आप। पांचवा ये स्वयं है सतपुरुष, रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगीरे, सूक्ष्म वेद वाच साहिब का, सोहंसा सत संगीरे। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और ये अथर्ववेद, इनमें भ्रमित ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। जिस शास्त्र में ये लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी संत से पूछो तो उसमें तो है ही नहीं वो, इसलिए ये कहते हैं चार वेद और पुराण 18 यो एक उजड़ जेरा है, आए है ऐसा कुआ है जिसमें कुछ भी हासिल नहीं, कष्ट कष्ट हो कुएं में भी पड़ जा रही है, पानी होते डूबते मर जा और बिना पानी का उसे, और गहरा घड़ा हो कुछ हासिल हो। आप सूक्ष्म वेद पढ़ रहे हो बच्चों, अलंकार अग है अनुरागी, दृष्टि मुष्टि नहीं आवेरे, अकलोक का तुम वेद न जाने, फिर ये चार वेद के गावेरे। जब तुझे उस अकलोक का पता नहीं, अकाकार था जिसका किसी नास्तिक वर्णन ना करे, ये ऊपर का जो एक लोक माना जाता अविनाशी लोक, उसके चार विभाग हैं, सतलोक अलकलोक अगम और अकलोक अनाम्या लास्ट वाला, और ये चारों भी एक लोक होने से अकलोक कहा जाता है। ये कौन-कौन होते हैं अध्यात्म के, पीएचडी की भाषा है ये अध्यात्म की। जब तुम अकलोक की जानकारी नहीं, मेरी नक्की गाँव होगा, कहते हैं आवे जावे सो हंसा कहिए, परमहंस नहीं आया रे, पांच तत्व तीन गुण तूरा, या तो कहिए माया रे, सुन मंडल सुख सागर दरिया, परमहंस परवाना रे, सतगुरु में लीव हित लखाया, है सतलोक निदाना रे। अगम दीप अमरापुर कहिए, अगम दीप सबसे आगे वाला ऊपर वाला, वो द्वीप सतलोक वो अमरपुर है। अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल, अगम दीप अमरापुर कहिए, जा हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ। बड़ा कठिन है पर सुलभ है, साचा सतगुरु वेल। बच्चों पढ़े लिखे हो, आपको अक्सर ज्ञान इसीलिए करा दाता ने कि समझ लो अपने भगवान ने, समझ लो सच्चे ज्ञान को, कि वो सुख है और सतगुरु बिना वहां नहीं जा सकते। सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार वहां से शुरू हुआ था, अब यही खत्म होता है, सतगुरु से शुरू होगा, सतगुरु पे आपका जीवन अगर अंत हुआ, सतगुरु साथ जाएगा, आपको दूर छोड़ का होगा, सतलोक में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ,
आपको ऐसे पीक टाइम में आपका जन्म है, इसको संभालो। ये बातें कैन सुन की नहीं, ये कर पान की। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।